चलिए देखिए, इसके पहले हम लोग 2013 तक कंप्लीट कर लिए जिला क्वेश्चन बैंक है कि नहीं। क्वेश्चन बैंक 2013 तक कंप्लीट हो गया है, 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम लोग 2015 का इसमें सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। मेन उससे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक। चलिए हम लोग 2015 में जिला आपका देखिए 28 क्वेश्चन है कि नहीं, फटाफट कर देते हैं, कल का डेली करते चलेंगे हम लोग सब। चलिए आपका इसमें क्या जिला बोले बार बार कि अपना बुक ओपन करके रखना होगा तब समझ में आएगा। वीडियो देखने से पहले चला आप कोई भी क्वेश्चन में रखिए, जो ईयर वाला उसको ओपन रखिए, जो साल का उसको क्वेश्चन देखेंगे पढ़ेंगे वो सामने रहेगा तभी ना समझ में आएगा कैलकुलेशन में। चलिए हम बात करते हैं जिला 2015 का, किसका रे बाबू 2015 का आपका इसमें है क्वेश्चन फर्स्ट हम बात करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन पहला क्या बोला, देखिए बोला गया बाबू एक विद्युतीय द्विध्रुव को दो विपरीत आवेशों से बनाया गया है जिनके परिमाण क्रमशः दिया हुआ जिला आपको याद है इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाए दोनों का परिमाण बराबर होता है सिर्फ चिन्ह अपोजिट होता है, तो दिया हुआ परिमाण 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड −3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम है और उनके बीच की दूरी दिया हुआ है मतलब चिला 2D दिया हुआ है चिला 2.4 × 10⁻¹⁰ मीटर है चिला। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, क्या निकालना चला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या निकालना द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, क्या निकालना चला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या निकालना चला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो क्यूब ने 2D होता है, क्या होता है बाबू क्यूब दे दिया है आवेश का परिमाण है चला वो 3.2 × 10⁻¹⁹ चला ठीक है इतना कूलम है, परिमाण नहीं है दोनों आवेश समान है केवल एक प्लस में और एक माइनस में है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D दिया हुआ चला 2D का मान देखिए कितना दिया हुआ है आपका 2.4 क्या दिया 2.4 × 10⁻¹⁰ दिया ठीक है। यहाँ पर आपका वैल्यू दे दिया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब स्मॉल फी निकालना है, आपको याद है कि दो आवेश कुछ दूरी पर अगर स्थित रहते हैं चिला दोनों आवेश का मान बराबर होगा दोनों आवेश के बीच की दूरी लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस पी से इधर होता है चिला, क्लियर है कि नहीं सही बात है कि नहीं ठीक है समझा दे याद रहने के लिए। अब चिला फॉर्मूला आपका होता है स्मॉल पी इक्वल टू क्यू गुने 2D, क्या होता है बाबू स्मॉल पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू होता है क्यू गुने 2D, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम बात करते हैं ठीक है। क्यू का मान रखिए 3.2 × 10⁻¹⁹ है चिला, 2D का मान दिया हुआ है दोनों आवेशों के बीच की दूरी में 2D है D नहीं है 2D है दोनों आवेशों के बीच की दूरी डायरेक्ट दिया है ठीक। चलिए 2.4 × 10⁻¹⁹ है चिला गुना करेंगे आपका आंसर चल आएगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा कूलम मीटर में आपका आंसर आएगा, देखिए गुना कीजिए आराम से 3.2 2.4 यहाँ तो चला गुना में पावर क्या हुआ जुड़ जाएंगे कितना होगा −29 कितना हो जाएगा चला कितना कूलम मीटर गुना करके आंसर देखिए क्या हो जाएगा देखिए चला गुना जब इसको करेंगे तो 7.66 आएगा क्या जाएगा गुना करने पर 7.68 गुना करके देखेंगे 10^-29 कूलम मीटर समझ में लो यही आपका हो गया आंसर। ऑप्शन गाइए कौन ऑप्शन आपका सही है बी कौन ऑप्शन है चला बी यानी पहला का हुआ बी कैलकुलेशन सही से देखना ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है चिला जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करेंगे तब ना फायदा होगा कि आपका दूसरा चिला 64 अच्छा कल है किसको किए हैं कल बिल्कुल बेसिक रूप से हम बताए थे इसलिए आज इसको नहीं बताएंगे डायरेक्ट आपका आंसर 20 μF होगा। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी देखिए चिला इसके पहले हम जस्ट 2013 वाला में सोल्यूशन है जो इस वीडियो को देखेंगे ये वाला क्वेश्चन देखना है तो इसके पहले जो वीडियो 2013 का सोल्यूशन में जाइएगा सेम क्वेश्चन है सेम टाइप एकदम सेम सब वैल्यू वगैरह सब सेम है इसका आंसर 20 μF आया था यानी आपका ऑप्शन बी होगा क्या हो जाएगा चिला बनाया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए उसको हम बढ़िया से बनाए थे ठीक। चलिए हम थर्ड की बात करते हैं तीसरा बोला गया चिला किलोवाट घंटा मात्रक है ये भी आपको पहले आ चुका है किलोवाट घंटा बोले थे किलो किसी का मात्रक नहीं है वाट घंटा मात्रक है
वाट शक्ति का मात्रक है, घंटा समय का मात्रक है चला। तो वाट घंटा मतलब शक्ति गुने समय हुआ, उसको हम कार्य कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जो भी बोली। तो ऊर्जा का मात्रक है किसका, किलो वाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। आदरक ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का तीसरा का ए है। चौथा अगर हम बात करते हैं चला, फोर क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। बोला है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है चला। किरचॉफ का पहला नियम ही बताता है कि किसी भी बिंदु पर कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है चला, क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, देखिए ऑप्शन सी है, शून्य होता है। क्या हो जाएगा, फोर का सी थ्योरिटिकल है, इधर बिल्कुल आसान है। 2015 का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चुंबकशीलता की बीमा बताना है, याद होना चाहिए, नहीं याद है आपको क्लास में निकाला हुआ है। ML आपका T-2I-2 हो जाएगा, कौन हो जाएगा चला, याद रखिएगा 15 का ही। क्लियर है, याद नहीं रहो पड़े चला, बीमा सूत्र निकाल के बताए हैं। चलिए ML T-2I-2 होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चुंबकशीलता का बीमा सूत्र आपको याद है, ML T-2I-2 सही है, ठीक है, हाँ ML T-2I-2 सही है, ये है। अब हम बात कर रहे हैं चला, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, याद है LR परिपथ पढ़ाए चला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। देखिए आपका ऑप्शन डी है, कौन हो जाएगा चला, ये हम सब कर दिए हैं, फॉर्मूला आपका है बिल्कुल, जेड बराबर आपको आया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। LR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा बोलेंगे, यही आपका ऑप्शन कौन है, डी है, कैमरा हो जाएगा चला, LR सर्किट का छठा का डी। चलिए हम सेवन बात करते हैं, सेवन में क्या बोला, थ्योरिटिकल इसमें ज्यादा पूछा हुआ, विद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण की दिशा होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग किधर संचरित करती है, तो चला विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों के लंबवत करते हैं, तो ई क्रॉस बी के लंबवत होगा, तो बोला ई क्रॉस बी के समानांतर, बोला ई क्रॉस बी का जो ई क्रॉस बी दो सदिश है तो उसकी दिशा उसके लंबवत होगा, लेकिन मतलब वो इसके लंबवत होंगे तो इसके समानांतर नहीं माना जाएगा चला, यानी ई क्रॉस बी के समानांतर होगा, किसका होगा चला, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा चला, डी हो जाएगा, क्वेश्चन सामने रहेगा तब सब समझ में आएगा। चलिए हम आठवा पढ़ते हैं, अठवा बोला है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कल भी बोले हैं जिला, यहाँ पर गड़बड़ बैठ रही है कि कुछ ने बोला है कि किसमें जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि अगर हमें हवा मान लिया जाए कि हवा से शीशा में गया तो लेकिन हवा दिया हुआ नहीं है इसलिए दिक्कत है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं आंकड़ा अपूर्ण है। अगर नहीं तो हम लोग अगर मान कर चले कि हवा से गया तब फिर घटेगा नहीं चला, शीशा में जाएगा, लेकिन नहीं दिया कि किससे किस में गया, मैं नहीं बतिया है। अगर हम यूनिवर्सली माने चला नहीं मानता है कि हवा ही मोटा मोटी मानते हैं हवा से गया तो घट जाएगा, इसीलिए हम इसमें आंकड़ा पूर्ण नहीं भी कहते हैं, और अगर हम मान ले तो घटता भी बोल सकते हैं, क्लियर है ना, इसीलिए इसमें क्या है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ ठीक है, इसलिए हम आंकड़ा पूर्ण नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे चला, आंकड़ा पूर्ण नहीं है, यही बोल सकते हैं ग्लास जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगी तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, नहीं अगर हवा या दूसरे माने माने, चलिए भाई इसलिए इसमें हम आंकड़ा पूर्ण या भी दोनों भी कर सकते हैं। इसमें भी स्थिति ने क्या किया जाए इसको, सुन लो की दिक्कत है चला, मतलब पूरा क्लियर नहीं है, इसीलिए दो चला अगर हम नॉर्मली माने तो अगर हवा हम लोग मान लेते हैं कि हवा से ग्लास में जा रहा है तो घट जाएंगे, उसके अनुसार ऑप्शन बी होगा, और इससे क्लियर नहीं है कि किससे किस में जा रहा है, सिर्फ बोला ग्लास में जा रहा है लेकिन किस से जा रहा है हमें देखना होता है तब उसमें घटेगा या बढ़ेगा। अगर मान लो कोई सघन माध्यम उससे ज्यादा वाला सघन माध्यम है और ग्लास में जा रहा है, ग्लास में बहुत तरह का होता है, अलग अलग अपवर्तनांक वाले ग्लास होते हैं, इसलिए जिला हम इसको डी मानते हैं कि आंकड़ा अपूर्ण मानेंगे ठीक है। चलिए हम नाइन बात करते हैं, क्या बात करते हैं जिला, नौवा हम बात करते हैं आयम मॉडुलन सूचांक का मान होता है, पढ़ाए एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का वैल्यू जीरो तथा वन के बीच होता है, कौन होगा ऑप्शन सी जीरो तथा वन के बीच, क्या बोलेंगे जीरो तथा वन के बीच, क्या देखना है जीरो तथा वन के बीच होता है, क्लियर है। चलिए समझ में आ गया इतना दूर, चाहे तो इसको स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा पीछे नीचे नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट चला, ओ एक मिनट बाबू।
एक मिनट आपको। चलिए दसवां में देखना चला, दसवां क्या कर रहा है? दसवां बोल रहा है बाबू नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। नॉर गेट मतलब और प्लस नॉट, और का मतलब ए प्लस बी, उसका होल नॉट हो जाएगा, ए प्लस बी नॉट क्या हो जाएगा चला? आपका हो जाएगा डी। दसवां का क्या हो जाएगा बाबू? दसवां का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए प्लस बी का नॉट। चलिए अब हम बात करते हैं 11। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, उसके लंबवत होते हैं। कैसा होगा चलम? सतह के लंबवत कौन ऑप्शन होगा? डायरेक्ट इस याद रखिए ऑप्शन बी। 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 11 का ऑप्शन बी। अगर हम 12 की बात करते हैं, देखिए क्या बोला है 12 बोला है मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। ये आपको याद है 8.85 × 10^12 माइनस कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर फैराडे पर मीटर भी बोलते हैं हम लोग। चला क्या होगा? मुक्त आकाश का परावैद्युतांक नियतांक एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10^12 फैराड पर मीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। आपको याद होना चाहिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 8.85 × 10^12 फैराड पर मीटर हम लोग बोलते हैं। चलिए 13 बोला है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वी स्क्वायर बटे आर, वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है। तो आपको यहाँ वी स्क्वायर बटे आर वाला ऑप्शन यहाँ दे ले, वी में और आर में समझ, वी स्क्वायर बाई आर वाला ऑप्शन कौन है चला? सी। क्या हो जाएगा चला? सी मतलब हुआ वी स्क्वायर बटे आर, समझ रहे हो? चलिए ऑप्शन आपका 14 क्या बोला है चला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन आवेश है, वोल्ट आपका वोल्ट हुआ चला, तो डब्ल्यू और क्यू भी होता है कि नहीं, मतलब चला एक तरह आवेश गुणे विभव हुआ, कार्य ऊर्जा का बराबर होगा, किसका बराबर होगा? ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट इस ऑब्जेक्टिव है, डी आपका ऑप्शन होगा। क्लियर 15 हम बात करते हैं चला, क्या बोला गया है 15 बोला है लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं लेंज का नियम, सही बात है, याद रखिएगा सी। 15 हो गया सी। 16 आपका चला, देखिएगा सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसान आसान है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, आपको याद है खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस है चला, तो उसमें अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक और उल्टा होगा, अंतिम उल्टा हो जाता है चला, काल्पनिक और उल्टा कौन होगा? काल्पनिक और उल्टा सी कौन होगा? काल्पनिक उल्टा क्या मान 16 का हो जाएगा चला सी। चलिए सब थ्योरेटिकल पार्ट है, क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं 17, क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू? 17 दो क्या बोला चला? यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी, सुना है एफ फोकस दूरी वाला दो उत्तल लेंस है, क्या बोला गया बाबू? एफ फोकस दूरी का दो उत्तल लेंस है, यानी चला F1 और F2 दोनों का मान एफ है, तो एफ इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है चला? एफ इक्विवेलेंट जानते हैं 1/1 इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/F1 + 1/F2 ना, सही बात है कि नहीं? चलिए F1 की जगह पर भी F रख दीजिए चला, F2 भी F है, 1/F इक्विवेलेंट बराबर F LCM आएगा, क्या होगा 1+1 2/F, इसीलिए F ऊपर नीचे कर दीजिए ना पलट जाएगा, F/2 हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा चला? F/2 मतलब आपका ऑप्शन 17 का कौन हो जाएगा सी, समझ में लो। चलिए यहाँ तक समझ में आया, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ऐसे तो न्यूमेरिकल है नहीं जब जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं चला, कैमा हो गया 17, 28 क्वेश्चन है ठीक है, परंतु हल्का हल्का क्वेश्चन। चलिए हम 18 अगर हम बात करते हैं चला, क्या बोला है देख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं चला 18, 17 बढ़ नहीं गया चला, 18 की किसकी बात करते हैं बाबू? 18 में क्या बोला? 18 बोला है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, याद है ध्रुवन पढ़े हैं, ध्रुवन कौन हो जाएगा चला? ध्रुवन मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर सी है, क्या है चला? सी। 19 की अगर हम बात करते हैं चला, 19 में क्या ऑप्शन है? बोला एक पतले फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण, इस हम लोग पढ़ चुके हैं चला,
बी आपका ऑप्शन होगा व्यतिकरण। सुन लो, 20 अगर हम बात करते हैं चिला, 20 में क्या बोला गया है, 20 में बोला गया यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक एसी क्रम पढ़ाए शक्ति गुणांक कॉस फाई होता है। क्या होता है बाबू? कॉस फाई। शक्ति गुणांक कौन है? कॉस फाई, मतलब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डायरेक्ट थ्योरिटिकल है, इसको कुछ नहीं, आपको थ्योरिटिकल है तो भाई थ्योरिटिकल ही टाइप बनेगा। स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम होता है, नहीं सॉरी हेनरी, याद है सॉरी, स्व सिर्फ से हेनरी होता है। क्या होता है चला? हेनरी। हेनरी मतलब कम ऑप्शन है चला, स्व प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, मतलब सी आपका ऑप्शन है। चलिए 22 बोला चला, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पढ़े जनरेटर जो डायनेमो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी। 23 देखिए क्या बोला है, 23 बोला है चला, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I=0.6 sin 100 πt से निरूपित है तो विद्युत धारा की आवृत्ति ज्ञात करना। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ चला क्या है आपको, दिया है आई का मान दे दिया 0.6 sin 100 πt। क्लियर, विद्युत धारा का समीकरण है हमारा, जो बेसिक जनरल समीकरण जो होता चला वो आपका है आई बराबर आईनो साइन ओमेगा टी होता। अब तुलना किया जाए चला, हमें आवृत्ति निकालना है तो यहाँ पर आवृत्ति का तुलना होगा, तो टी टी यहाँ पर है साइन साइन सब इन्हें, तो मतलब चला ये ओमेगा यहाँ पर पूरा वैल्यू हो जाएगा कि नहीं, तो तुलना कीजिए आई का आई या आई नोट का मान हो गया। अगर तो धारा यहाँ पूछता तो डायरेक्ट ये आंसर होता है साइन का साइन ओमेगा टी, टी टी छोड़ तो बाकी ओमेगा होगा, तो चूंकि ओमेगा वर्ड कितना हो गया 100 πt, ओमेगा वर्ड 2 πt डी होता है, डी आवृत्ति होता है चला, 2 πt एफ भी लिखते हैं यहाँ तक आ गया चला। अब तो पाई पाई कट गया, 50 × 100 बोलो चला, आवृत्ति आ गया 50 Hz, कितना गया चला आवृत्ति निकल गया, क्या निकल गया 50 Hz, मतलब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा चला बी होगा, क्या होगा चला 23 का बी। अब हम बात करते हैं 24 में देखते हैं क्या होता है, निकेल है लौह चुंबकीय है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय मतलब 24 का सी। चलिए हम लोग अब 25 की जब बात करते हैं चला, 25 में बोला गया है बूस्टर का नियम है, याद है कि बूस्टर का नियम बताता है कि ध्रुवन कोण की जो स्पर्श जो होते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक के बराबर होते हैं, मतलब टैन आईपी बराबर म्यू, तो म्यू बराबर टैन आईपी भी कहेंगे, आपका ऑप्शन सी कौन है चला, म्यू बराबर टैन आईपी, 25 का हो जाएगा सी। चलिए हम 26 की अगर बात करते हैं, 26 की अगर हम बात करेंगे बबुआ, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, ताप के विरुद्ध क्रमानुपाती अर्धचालक काम करता है, ताप बढ़ेगा तो घटेगा प्रतिरोध, ठीक है ऑप्शन घटेगा मतलब सी सॉरी बी ऑप्शन बी। हम 27 की बात करते हैं चला, प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान आई नोट और वर्ग माध्यमूल का अनुपात दो चला, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान मतलब आई नोट और आई आर एम एस का हमें अनुपात पूछा, आई नोट चला, आई आर एम एस का मान आई नोट बाई रूट 2 होता है, तो क्या होगा चला आई नोट रूट 2 ऊपर चल जाएगा कि नहीं चला, आई नोट बच जाएगा, आई नोट कट जाएगा चला, इसका अनुपात क्या आ जाएगा, आई नोट बाई आई आर एम एस का मान हो जाएगा चला क्या जाएगा रूट 2 रूट 2 इंटू 1 जो ऑप्शन है सभी मिला लीजिए, अरे रूट 2 ए हो गया इसलिए ही बदल गया, रूट 2 होगा, क्या होगा चला ऑप्शन आपका कौन है देख लीजिए बी, 27 का बी। लास्ट क्वेश्चन है 28 बोला चला, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास का मान 30 MHz से 300 MHz तक, याद रखिए चला ये सब बताया हुआ है, कौन होगा ऑप्शन सी, यानी कहने मतलब यहीं तक रह देते चला, हमें एक एक ईयर का इन्हें जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा नहीं 15-20 मिनट का आपका वीडियो रहेगा, आसान होगा देखिएगा, कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे उसको हम रिप्लाई करने भर से कोशिश करते हैं, समझ में आया चला, यहीं पे रह देते हैं एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे देखिए इधर नहीं दिखाई दे रहा था, अब सही है नहीं चला, चलिए हल्का सा देख लीजिए चला, आपको वीडियो में गड़बड़ हो गया था कैमरा, चलिए यहीं पर है पूरा क्लियर, स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं, थैंक यू।